आज का ये एपिसोड उन चंद लोगों को समर्पित है जिनके कारण टेलीफोन विभाग को बदनामी और हमें ये एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिली। कितने का डाका डाला पीटर? 70,000 का बॉस। शाबाश, ये पकड़ो 10,000 और पहले टेलीफोन का बिल जमा करवा के आओ, कहीं कनेक्शन ही ना कट जाए। नए टेलीफोन की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। भट्टी साहब, नंबर क्या मिला है? नंबर है जी 43000। क्या बात है साहब, नंबर तो बहुत बढ़िया है। क्यों, इस नंबर पे बिल नहीं आता? नहीं नहीं, मेरा मतलब है 4+3=7 एंड 7 इज ए लकी नंबर। हाँ ये तो है, 7 साल पहले मैंने टेलीफोन के लिए अप्लाई किया था, पूरे 7 साल के बाद बारी आई है। भट्टी साहब, मैं जरा आपका नंबर नोट कर लूँ, प्लीज जरा मुझे पेन देंगे आप? शर्मा जी, इतना आसान नंबर है, लिखने की क्या जरूरत है? वैसे भी अभी इंस्टॉल नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ सेट वेट रखे गए हैं। चलिए 2-3 दिन में इंस्टॉल भी हो जाएगा ना। अब देखिए, टेलीफोन लाइंस खींचना, टेस्टिंग करना, वक्त तो लगता ही है ना आखिर। लो जी, टेलीफोन तो आपका चालू हो गया, बधाई हो। प्रीति, लाइनमैन साहब के लिए चाय लाओ। नहीं, मुबारक हो, पहली टेलीफोन कॉल आ भी गई, उठाइए। नहीं नहीं, पहला टेलीफोन आप उठाइए, अगर टेलीफोन डिपार्टमेंट का लाइनमैन इसे इनॉग्रेट करेगा तो ये कभी खराब नहीं होगा। हेलो, यस, 43000, कौन? एक मिनट ठहरिए, यहाँ कोई रविदास शर्मा है? हाँ हाँ, वो हमारे पड़ोसी हैं। कमाल है, पहला टेलीफोन आया वो भी पड़ोसियों का। मैं अभी उनको बुला के लाती हूँ। अच्छा जी, हम फिर चलते हैं, अगर कोई फॉल्ट होगी तो बुला लीजिएगा। चाय आ रही है, आप चाय पी के जाना। नहीं नहीं, एक्चुअली पता है क्या, अभी एक कनेक्शन और भी चालू करके आए, वहाँ बहुत हैवी टी हो गई थी। क्यों, ओके देन। अच्छा, चलते हैं जी, बाय बाय। हेलो, नहीं नहीं, शर्मा जी आ रहे हैं अभी। वैसे आवाज साफ आ रही है ना? लो शर्मा जी आ ही गए, बात करिए, आपका फोन था जी। थैंक यू। हेलो, हाँ त्रिपाठी बोलो भाई। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो मुझे पता चल गया था। यू डोंट वरी फॉर दैट, ओके बाय। भट्टी साहब, ये बहुत अच्छा हो गया कि आपके फोन लग गया, वरना मुझे फोन करने के लिए मार्केट तक जाना पड़ता था। अब ये जरूर है कि आप लोगों को थोड़ी तकलीफ जरूर हुआ करेगी। ना ना, तकलीफ कैसी, पड़ोसियों का इतना फायदा तो होना ही चाहिए ना। सो नाइस ऑफ यू। भट्टी साहब, मुझे तो जैसे ही पता चला कि आपके फोन लग गया है, मैंने उसी वक्त आपका टेलीफोन नंबर अपने विजिटिंग कार्ड पर प्रिंट करवा लिया। ये देखिए, 43000। 43000,
ये फोन नंबर है हमारे पड़ोसी का, अभी नया ही लगा है। 4300 ये बुला देंगे अगर मैं फोन करूँ तो? अगर तो फोन प्रीति आंटी ने उठाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर भट्टी अंकल ने फोन उठाया तो मैं कुछ नहीं कह सकती। क्यों, कुछ शक्की किस्म के हैं? उनके मूड पर डिपेंड करता है, अगर तो मूड सही हो तो पिछले मोहल्ले में भी लोगों को मैसेज दे आते हैं, लेकिन अगर मूड ठीक ना हो तो अपने बारे में ही फोन पर कह देंगे कि मैं घर पर नहीं हूँ, बाद में बात कर लेना। अच्छा, रॉन्ग नंबर? कमाल है, तीन बार मिलाया, तीनों बार रॉन्ग नंबर। हाँ मिस्टर राहुल भा, क्या मैडम सफाया, ये 43481 नहीं है? अरे नहीं भाई, दिस इज रॉन्ग नंबर। कोई बात नहीं, आप जो भी है मैं आप ही से बात कर लेता हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि देखिए, आपको शर्म नहीं आती एक शादीशुदा औरत से ऐसी बातें करते हुए? जी वैसे आपकी आवाज से नहीं लगता कि आप शादीशुदा हैं। ओहो रियली? जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ऐसी बेहुदा हरकतें करें। मैडम मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि टेलीफोन कॉल ही इतनी महंगी है कि अगर रॉन्ग नंबर भी है थोड़ी बात तो की जाए ना। शट अप, बड़े अनएजुकेटेड लोग हैं। किससे बातें कर रहे हो, किसका फोन है? कुछ नहीं, वो वैसे जरा रॉन्ग नंबर था। तुम्हें कितनी बार कहा है कि रिसीवर धीरे रखा करो, फोन डेड हो जाएगा। लो हो गया डेड। क्या हो गया यार, 43000 मिल ही नहीं रहा। पता नहीं रिसीवर ऑफ है या फोन डेड है, मुझे तो लगता है घर ही छोड़ के चले गए। भाई मुझे तो लड़का पसंद है, तुम्हारा क्या विचार है? तो देखो विनी को पसंद आना चाहिए, हमारा क्या है? मैंने कह दिया ना मामा, मुझे नहीं करवानी अभी शादी। देख बेटी, अभी शादी नहीं करवानी तो ना सही, लेकिन बात तो पक्की कर ले। इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल गया तो बाद में पछताती रहेगी। लड़का करता क्या है? टेलीफोन डिपार्टमेंट में लाइनमैन है। मुझे नहीं करवानी लाइनमैन से शादी। लाइनमैन मुझे भी कम ही पसंद है। अब आप लोगों का दिमाग ही नहीं चलता तो मैं क्या करूं? अरे आप लोगों को तो पता ही नहीं कि लोग लाइनमैन की कितनी इज्जत करते हैं। प्रीति लाइनमैन साहब के लिए चाय ले आओ। नहीं नहीं, चाय का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। आप दूध पी लें। देखिए आप तकलीफ ना करें, मेरा पेट खराब है। ये बताइए कि फोन कब से डेड है? 6 दिन हो गए जी, हमारी तो कोई बात नहीं लेकिन हमारे पड़ोसियों को बहुत तंगी आ रही है। मैं तो खुद बहुत तंग हूँ, पूरे 144 घंटे हो गए मुझे अपनी सहेली से बात किए हुए। और आप अंदाजा लगाएं कि वो सारी बातें मुझे सुननी पड़ती हैं। उस्ताद रिसीवर तो ठीक है, जंक्शन बॉक्स भी ठीक है, लगता है एक्सचेंज देखना पड़ेगा। हेलो असिस्टेंट, ये चेक कीजिए 43000 ठीक है या खराब है। जी डेड है। मान यार, एक हफ्ता हो गया विनी से मिले हुए, ना ही वो खुद आई है ना ही उसका कोई फोन आया। खबरदार अगर आज के बाद कभी उस लड़के को फोन भी किया तो। डैडी अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ कुकी से, लेकिन हमें विनी की पसंद का भी तो ख्याल रखना चाहिए। अब आप लोगों के दिमाग पर तो पर्दा पड़ चुका है, आप लोगों को लाइनमैन की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता। लेकिन हमें लाइनमैन से क्या करना भाई, हमारे घर कौन सा टेलीफोन लग गया है? अरे बाबा नहीं लगा तो लग जाएगा, आखिर एडवांस प्लानिंग भी तो कोई चीज है। आज अगर भट्टी का कोई रिश्तेदार टेलीफोन डिपार्टमेंट में होता तो उसे यह दिन ना देखना पड़ता। बड़ा अच्छा फोन था बेचारा, परमानेंट डेड हो गया। बस जी, जिसकी जितनी लिखी हो उतनी भोगता। इसकी घंटी की आवाज अभी भी कानों में गूंजती है, देखो लगता है अभी बोल पड़ेगा। पता नहीं जी किसकी नजर खा गई। अभी आपको हौसला नहीं हारना चाहिए, मेरी मानो तो एक बार और कोशिश करके देख लो। मैंने बहुत कोशिश की, हर जगह कंप्लेंट लिखवा के देख ली। आप एक बार झाड़फूंक करवा के देख लो। झाड़फूंक? काल मिलावी रंग नंबर ना कोई आवे, कानपुर जोधपुर या अंबाले एक
हेलो हेलो 43000 हाँ जी फोन ठीक हो गया? हाँ जी ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अरे आप थैंक यू उनका क्या बोला, थैंक यू हमारा बोलो। थैंक यू। चलो जी ये कंप्लेंट भी अटेंड हुई, एक हफ्ते से पेंडिंग पड़ी थी। उस्ताद क्या हो गया तुम्हें, एक हफ्ते में सिर्फ एक कंप्लेंट अटेंड किए, और ये फोटो किसकी है, सुबह से 100 बार देख चुके हो इसे। इस लड़की से मेरी मंगनी होने वाली है, विन्नी नाम है इसका। उस्ताद इस लड़की को देखकर एक शक हो रहा है। क्या कि इतनी सुंदर लड़की ने तुम्हें हाँ कैसे कर दी? हाँ तो इसके बाप ने भी कर दिया है, लेकिन यार एक बात समझ में नहीं आ रही, ये मुझे लड़की से मिलवा क्यों नहीं रहे? तू थोड़ी छानबीन करना। मैं छानबीन करूँ? पर मैं क्या कर सकता हूँ? तू ऐसा करना, तू विन्नी के घर चला जा और उससे मिलके अंदाजा लगा कि वो खुश भी है कि नहीं। लेकिन मैं उसके घर कैसे जा सकता हूँ? यार बहाना मैं बताता हूँ तेरे को, तू बाजार से एक तोहफा खरीद ले और वहां जाके बोल के मैंने भेजा विनी के लिए, राइट? अच्छा उस्ताद ट्राई करता हूँ। हाँ हाँ जी, जबलपुर नंबर है जी 32759। हाँ जी हाँ जी, पीपी करना जी, डब्ल्यू टी शाद, डब्ल्यू फॉर रॉन्ग नंबर, टी फॉर ट्रंक कॉल, एस फॉर एसटीडी, एच फॉर हेल्ड अप, ए फॉर एरिया कोड एंड डी फॉर डेड। हाँ जी लाइन है डेड, मेरे ख्याल आप माइंड कर गए जी, आप ट्रंक कॉल बुक तो करें। ट्रंक कॉल बाद में करना, पहले इस बेचारे के बारे में तो कुछ सोचो। क्यों इसे क्या हुआ? इसका एक फ्रेंड है कुकी, जिसको यहाँ से रोज फोन करती है। क्यों क्या हुआ, उसका फोन कट गया? फोन नहीं कटा, कुकी और विनी ने शादी का फैसला किया है। लेकिन शर्मा जी भी बड़े अजीब आदमी है, कहते हैं मैं अपनी बेटी की शादी टेलीफोन डिपार्टमेंट के किसी लाइनमैन से ही करूंगा। विनी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे डैडी इतने इंटेलिजेंट हैं। अंकल मुझे बचा लो प्लीज, अगर मेरी शादी उस लाइनमैन से हो गई तो मैं टेलीफोन की तार के साथ लटक कर जान दे दूंगी। कहीं हमारी तारों से ना लटक जाए, उसमें तो पहले कोई ना कोई फॉल्ट पड़ा रहता। देखो विन्नी और कुकी के बीच कोई नहीं आना चाहिए। घबराओ नहीं, जो भी विन्नी और कुकी के बीच टांग अड़ाएगा उसकी टांग उड़ा दी जाएगी। अंकल वो टांग मेरे डैडी की है। तो फिर हम ऐसे करेंगे कि टांग उड़ाएंगे नहीं, वैसे उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। अगर तुम मुझे ये समझाने आए हो कि इतना अच्छा रिश्ता मैं हाथ से जाने दूंगा तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। मुझे मालूम है कि तुम बड़े समझदार हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आदमी तो बड़ा समझदार होता है लेकिन उसकी औलाद बड़ी नालायक निकलती है। हजी नालायक जैसी नालायक, इन लोगों को तो लाइनमैन की कदर ही नहीं है, और फिर लाइनमैन भी रमेश जैसा, अपने डिपार्टमेंट में उसकी पूरी चलती है, बॉम्बे कलकत्ता मद्रास हर जगह वो मिनटों में कॉल्स मिलवा देता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। शर्मा जी अगर आज मेरी भी कोई बेटी होती मैं भी उसका रिश्ता किसी लाइनमैन से ही करता। लाइनमैन को आप गोली मार के जी, कुकी भी बुरा लड़का नहीं है, एमएससी की हुई है, 3-4 जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी अच्छी खासी सिफारिशें हैं। और आपको विन्नी की खुशी का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना, इसी में आपकी भलाई है। हमारी भलाई किसमें है ये हम अच्छी तरह जानते हैं, और आप प्लीज हमारे घरेलू मामलों में दखल मत दें। नहीं देते भाई। क्या नहीं देते, डायलॉग बोलो। मिस्टर शर्मा तुम चंद फ्री टेलीफोन कॉल्स के लिए दो आशिकों की मोहब्बत कुर्बान कर देना चाहते हो, लेकिन याद रखो मैं भी आशिकी के इतिहास को इतना डल नहीं होने दूंगा। बाहर कौन है? जी मैं असिस्टेंट लाइनमैन, वो लाइनमैन रमेश जी ने मुझे भेजा है। अच्छा 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 अच्छा, ये विनी के लिए फ्रूट भेजा है। वेरी गुड वेरी गुड। विनी बेटे रमेश ने तुम्हारे लिए फ्रूट भेजा है। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। कोई बात नहीं, आप रख जाइए, ये बाद में खा लेगी। अच्छा। बस बस मैं विनी के घर से ही आ रहा हूँ। अच्छा हाँ क्या पता चला? तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। क्या? वो शर्मा साहब तो अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो पड़ोसी है ना वो जसपाल भट्टी, वो टांग अड़ा रहा है। ये भट्टी वही है ना जिसके घर पिछले दिनों हमने फोन लगाया था? हाँ हाँ वही विन्नी को भड़का रहा है, और उसी के घर से विन्नी उस छोकरे कुकी को फोन करती है। ये बात है? हाँ देख लेंगे उस भट्टी को, चल तू मेरे साथ। चल यही है ना वो खंबा,
यहीं से भट्टी के घर को टेलीफोन की लाइन जाती है ना? यस बॉस। अब तू देखना, मैं इनका ऐसा मीटर घुमाऊंगा ना, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, भट्टी को नानी याद ना आ गई तो मेरा नाम रमेश नहीं। हेलो, पटियाले वाले चाचा जी बोल रहे हैं क्या? लंदन वाले मामा जी? पटियाला वाया लंदन मिल रहा है। ओ भाई, कौन से मामा जी, किसके मामा जी? हाँ मामा जी, रमेश बोल रहा हूँ, रमेश इंडिया से। हाँ हाँ, नहीं कोई खास जरूरी काम नहीं, वैसे ही फोन किया था। टिंकू कहाँ है? अच्छा, फ्रेंड के घर गया है, बुला ले उसे, बुला ले, कोई बात नहीं। क्या, आधा घंटा लगेगा? मैं होल्ड करता हूँ, कोई बात नहीं, आप बुला ले। अगर मेरी शादी उस लाइनमैन से हो गई तो मैं टेलीफोन पोल से सर पटक पटक कर जान दे दूंगी। नहीं विनी, ऐसा मत करना, टेलीफोन पोल बड़े नाजुक होते हैं, अगर तुम जोर से सर पटकोगी ना तो टूट जाएंगे। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारे भट्टी अंकल कोई मदद नहीं करते? वही तो मुझे सारा दिन हौसला देते रहते हैं, सचमुच बहुत बड़ा दिल है उनका। प्रीति, पानी, पानी प्रीति। क्या हुआ, क्या हो गया? प्रीति पानी लाओ, मेरा दिल बैठ रहा है। ये लो पानी, पानी। प्रीति ये देखो, टेलीफोन का बिल 40,000 का आ गया। 40,000? ये कैसे हो सकता है? डिपार्टमेंट को जरूर गलती लगी होगी, 400 रुपए का होगा। मुझे हस्पताल ले जाओ जल्दी, हस्पताल। हेलो डॉक्टर साहब, इन्हें सदमे की वजह से घबराहट हुई है, हार्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है। थैंक गॉड इट्स नॉट एंजाइना पेन। डॉक्टर साहब आप ही सोचिए, एक नौकरीशुदा आदमी का 40,000 का बिल आ जाए, उसे तो हार्ट अटैक ही होगा। बिल्कुल, अब इन्हें देखिए जो आपके साथ लेटे हैं, इन्हें माइनर हार्ट अटैक हुआ था, इन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर टेलीफोन अलॉट करवा लिया। फिर क्या, 50,000 का बिल आ गया, मेजर अटैक हो गया। हाय, आप लेट जाइए, आपको अभी आराम की जरूरत है। अब आराम कहाँ डॉक्टर साहब, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इतनी रकम इकट्ठी कहाँ से करनी है। यस प्लीज, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सर थोड़ा लोन चाहिए था जी। किस चीज़ के लिए? आप कोई फैक्ट्री वगैरह लगा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मेरा टेलीफोन का बिल बड़ा हैवी आ गया था जी, 40,000। तो वो बिल पे करने के लिए मुझे लोन चाहिए था। सॉरी भाई साहब, ऐसी कोई स्कीम हमारे पास नहीं जिसके अंदर हम आपको ये लोन दे सकें। जी आपका इतना बड़ा बैंक है, कोई ना कोई स्कीम तो होगी। मेरा अपना बहुत हैवी बिल आ गया था लास्ट मंथ। तो फिर आपने क्या किया? टेलीफोन ऑफिस के बाहर किसी ने प्राइवेट फाइनेंस कंपनी खोली हुई है, वहां से आपको 24% पर ये लोन मिल जाएगा। अच्छा जी। मेरे पास उनका ये विजिटिंग कार्ड भी है। थैंक यू। नमस्ते बहन जी। हेलो मिसेस भट्टी, क्या हाल है जी? ठीक है जी। हेलो भट्टी साहब, क्या हाल चाल है सर? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। ये लीजिए भट्टी साहब, मुंह मीठा कीजिए, कल विनी और कुकी की सगाई है। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। लेकिन ये शर्मा जी कैसे मान गए? दरअसल भाई साहब, अपना कुकी टेलीफोन डिपार्टमेंट में एसडीओ सिलेक्ट हो गया है। और उस रमेश का क्या हुआ? वो तो भट्टी साहब टेलीफोन पोल से इलीगल कॉल्स करता हुआ पकड़ा गया। अब देखिए ना भाई साहब, चंद लोगों की वजह से सारा डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है। इलीगल कॉल्स करता या करवाता कोई और है, और बिल भरना पड़ता है बेचारे किसी और को। लेकिन हमें अब किसी बिल का डर नहीं। क्यों भट्टी साहब, आपका क्या कोई रिश्तेदार टेलीफोन डिपार्टमेंट में भर्ती हो गया है? ना ना, हमने अपना टेलीफोन ही कटवा दिया है। कभी फोन ये डेड हो जाए, रॉन्ग नंबर भी बहुत मिलाए, बहुत मिलाए, मेरे खंबे की तारों से कोई अपनों के फोन मिलाए, नजर ना आए कभी फोन ये डेड हो जाए, रॉन्ग नंबर भी बहुत मिलाए।
बहुत मिलाए। कहीं तो ये बिल कभी कम ही है आते, कहीं पे निकल आए लाखों के खाते। कोई मचल के करके शरारत, फोन करे पर नजर ना आए, नजर ना आए कभी फोन, ये डेड हो जाए। रॉन्ग नंबर भी बहुत मिलाए, बहुत मिलाए।